हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेवी फैक्ट्स में। दोस्तों आज हम आपको घुमाएंगे इटली का बहुत ही सुंदर गांव टस्कनी, जो पड़ता है इटली के सेंट्रल पार्ट में, मध्य में। दोस्तों करते हैं एक सैर इस खूबसूरत गांव की और दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, साथ में घुमाएंगे इटली के इस गांव की, पूरे एक टूर करेंगे जहाँ हम दिखाएंगे यहाँ के घर कैसे होते हैं, यहाँ के किसान किस तरह का काम करते हैं, किसान यहाँ के जो मार्केट होते हैं गांव के किस तरह के मार्केट होते हैं, और साथ में इस गांव के पूरी सैर कराएंगे और यहाँ की खेतीबाड़ी के बारे में बताएंगे। तो आप देख सकते हो यह बहुत ही सुंदर सा गांव है इटली का टस्कनी। तो करते हैं इसकी एक सैर। यहाँ का जो मुख्य व्यापार होता है और जो यहाँ के जो किसान भाई जो ज़्यादा खेती करते हैं वो अंगूरों की खेती होती है। आप देख सकते हो इस गाँव के चारों तरफ जो ये हिली एरिया है, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, और यहाँ पर इन्होंने जो खेती कर रखी है, वाइन यार्ड्स कहते हैं इनको, अंगूरों की खेती है। यहाँ के जो इटली के जो किसान है काफ़ी समृद्धशाली किसान है। इनके पास जो ज़मीन है आप देख सकते हो बीच में गांव है, और चारों तरफ से ये पूरे जो एरिया है खेतीबाड़ी का एरिया है, और एक एक किसान के पास कम से कम यहाँ पर 20 से 50 एकड़ तक ज़मीन होती है। और आप देख सकते हो ये गाँव के घर हैं यहाँ पर। तो जो इटली के जो गाँव हैं आज भी ऐतिहासिक रूप से जो पुराने समय के बने थे वैसे इन्होंने अभी भी बचा के रखे हुए हैं। आप यहाँ की इमारतें देख सकते हो, थोड़ा पुरानी जरूर है लेकिन गांव बहुत ही सुंदर हैं, ये बहुत ही साफ़ हैं, और यहाँ इन गांव को देखने के लिए पूरे यूरोप और पूरे दुनिया से लोग आते हैं, इसलिए इन गांव में टूरिस्ट भी काफ़ी आते हैं। और लोगों ने अपने घर इस तरह से बना रखे हैं ताकि लोग यहाँ पर आ सकें, मार्केट घूम सकें, और यहाँ पर जो भी उन्हें सामान चाहिए पुराने, क्योंकि ये गाँव हिस्टोरिकल गाँव है, तो यहाँ पर ये दुकानदारी और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा बना रखा है। ये यहाँ का फार्म मार्केट है, किसानों का बाज़ार आप देख सकते हो। किसान भाई यहाँ पे कोई भी जो इटली के जो गांव होते हैं यहाँ के लोग अपने गांव में ही रहते हैं, गांव में बहुत ही अच्छा इनका व्यापार होता है, इनको शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि शहरों से लोग घूमने यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ख़रीदारी करने आते हैं। इसलिए जो इटली के जो गांव वाले होते हैं काफ़ी समृद्धशाली और काफ़ी पैसे वाले होते हैं, शहरों से ज़्यादा पैसा यहाँ के गाँव वालों के पास होता है, उनके पास बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन होती है, खेतीबाड़ी होती है, और गाँव में ही लोग घूमने आते हैं, यहाँ से सामान खरीदते हैं, तो अच्छा खासा व्यापार है। गांव वाले इतने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं कि पूरी दुनिया से लोग, अधिकतर आप एशिया से जो लोग यहाँ पर काम करने आते हैं सीजनल टाइम पे, जैसे कि अंगूरों की जब खेती होती है तो खेतों में जो किसान होते हैं ये लोग एशिया से या फिर अफ्रीका से यहाँ पे वर्कर बुलाते हैं, और चार चार पाँच महीने के लिए उनको यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ के लोग काफ़ी मतलब समृद्धशाली होते हैं। यह है यहाँ का किसान मार्केट, देख सकते हो यहाँ पे जो किसान लोग हैं जो भी अपनी सब्जियाँ उगाते हैं इन्हीं के यहीं पे फार्मर मार्केट होता है, यहीं पे अपना सामान बेचते हैं, ना इन्हें कहीं बाहर जाना पड़ता है, और यहीं पूरे जो टस्कनी जो कस्बा है, जो यहाँ के शहर है, वहीं से लोकल लोग आते हैं, यहीं से ख़रीदारी करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हो एक छोटा सा गाँव है और चारों तरफ पूरा हरे भरे यहाँ पे उनके खेत हैं, और ये दिखने में बहुत ही सुंदर है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो यहाँ के जो किसान होते हैं जो खेतीबाड़ी करते हैं, किस प्रकार की खेतीबाड़ी करते हैं और किस चीज़ की खेतीबाड़ी करते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा जो है बहुत ही सुंदर सा, और ये काफ़ी शांत एरिया है, ज़्यादा यहाँ पे ना ही इंडस्ट्री है ना ही फैक्ट्री है, और बहुत ही सिंपल और कम आबादी वाला ये टस्कनी क्षेत्र है। अब इन किसान भाइयों के अपने क्या कहते हैं खेत हैं, आप देख सकते हो ये इनके अंगूर की खेती है। आपको एक टूर कराते हैं इन खेतों का। तो इस टाइम आप देख सकते हो इनके जो अंगूर हैं पक चुके हैं, अब इनकी हार्वेस्टिंग ये लोग करेंगे, क्योंकि इनकी अधिकतर यहाँ पे जो टस्कनी क्षेत्र है यहाँ पे अंगूरों की खेती होती है और दूसरे फ्रूट्स की खेती ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पे वाइन की उत्पादक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो बहुत से किसानों की अपनी डिस्टिलरीज होती हैं जहाँ पर ये वाइन का प्रोडक्शन करते हैं, वाइन विस्की बनाते हैं, उसके लिए अंगूरों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अंगूरों की खेती यहाँ के लोकल लोग ही अंगूरों की खेती करते हैं, और उनसे इनको मतलब पूरे साल भर में खेतीबाड़ी से ही लोग कम से कम भारत के अकॉर्डिंग 1 करोड़ के आसपास आसानी से कमा लेते हैं। एक किसान के पास ज़मीन होती है, अच्छे खासे डेयरी फार्म होते हैं, जो यहाँ पर जो डेयरी फार्म है वहाँ पर यहाँ की चॉकलेट्स, डेयरी के प्रोडक्ट जैसे कि चीज़, डेयरी बहुत से अलग अलग उत्पाद बनाते हैं, तो वो पूरे यूरोप में ये लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका डेयरी प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और आप अभी देख सकते हो इनके बड़े बड़े खेत, वाइन यार्ड्स हैं, अंगूरों की खेती है। तो ये जो यहाँ के इटली के जो किसान हैं काफ़ी समृद्धशाली हैं,
अच्छा खासा पैसा है, तो आशा करता हूँ जो ये पूरा एक हमने टूर दिया आपको इटली के गांव टस्कनी का आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube का सुपर थैंक्स बटन दबाइए और उसमें आप जो भी डोनेट करना चाहे हमें डोनेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।